शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। बागी से लेकिन ये अचानक चार धाम की यात्रा की बात कहाँ से आ गई? मारे को पुरोहित साने कहो है थारा और रसाल का थारे होने वाले बच्चे के वास्ते दर्शन पे जाना घना जरूरी है, इसी वास्ते मैंने हामी भी भर दी। हामी भरने से पहले मारे को थारे से पूछनो जरूरी थो? नहीं दादी साहब, आपने हामी भर के ठीक ही किया। अगर ये बात हमारे होने वाले बच्चे के बारे में है तो मैं जरूर जाऊंगा। बल्कि मैं सोच रहा था कि रसाल और मेरे साथ रुक्मी भी वहां चली जाएगी। ना रणवीर, ये कोई छुट्टी बिताने वाली बात ना है, ये चार धाम की यात्रा पे जाने की बात है जो थारे को सिर्फ रसाल के साथ जानो है। और कोई तीसरो साथ ना जा सके है। ये क्या बात हुई दादी साहब? अगर रसाल और मेरे साथ रुक्मी भी वहां दर्शन करने चली जाएगी तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? रणवीर, पुरोहित सा हमारे गुरु सा भी है, जब उन्होंने तुम्हें सिर्फ रसाल के साथ जाने को बोलो है तो... पता नहीं दादी साहब, मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। माना कि ये पूजा हमारे होने वाले बच्चे के लिए है, इसलिए रसाल और मेरा जाना जरूरी है, लेकिन ऐसे तीर्थ पर तो सारा घर ही जा सकता है ना, रुक्मी भी जा सकती है। अरे पुरोहित सा के पास होगी कोई वजह? मैंने थारे पे भरोसा करके हामी भर दी है और थारे को अब मारी बात रखनी होगी कि मारे आखिरी दिनों में भी तुम्हारी इतनी बात ना रखेगा। अब ना कहनी हो तो कह दे, मैं कह दूंगी पुरोहित सा से। भूल हो गई मारी, मारे को हामी भरने से पहले थारे से पूछना जरूरी था। दादी साहब, किसी ने सही कहा है, एक उम्र में आके इंसान बच्चा ही हो जाता है। क्यों रुक्मी, लग रही है ना मेरी दादी साहब एकदम रूठे हुए बच्चे की तरह? मेरी प्यारी दादी साहब, आपने हुक्म दिया है तो उसका पालन मैं जरूर करूंगा, ठीक है? अब एक छोटी सी स्माइल, ऐसे नहीं, थोड़ी खुलकर स्माइल दीजिए, मजा नहीं है। थारे को अब मारो एक और आदेश मानना होवेगो। हाँ बोलिए ना। रसाल से जाके बोल कि तीर्थ यात्रा को जाना है। दादी साहब, मेरे जाने की क्या जरूरत है, आप ही कह दीजिए ना। तूने मारा हुक्म मानने को कहो है ना, हाँ? मारे मुंह से सुनने के बजाय थारे मुंह से सुनने में रसाल को ज्यादा खुशी मिलेगी। अरे आखिर तुम दोनों के बच्चे के वास्ते तो है यो तीर्थ। ठीक है दादी साहब, आप कह रही हैं तो मैं रसाल को कह दूंगा। एक और हुक्म है, रसाल से जाके कहना कि पुरोहित सा ने खुद थारे को कहा है कि रसाल के साथ दर्शन के वास्ते जानो जरूरी है, मारी हामी वाली बात ना बताना। थारे मुंह से सुनकर रसाल को खुशी होवेगी कि थारे को कितनी चिंता है बच्चे और माँ दोनों की। रसाल से जाके कहना कि पुरोहित सा ने खुद थारे को कहा है। रणवीर भाई सा और रुक्मी तो खुश है, और रसाल भाभी सा वो तो अपनी ही खुशियों का गला घोटकर जी रही हैं। ठाकुर सा ने सिर्फ अपनी बींदनी के हाथ की बनी चाही भावे। मारे को माफ करना माता जी महाराज, पुरोहित सा का नाम लेकर मैंने रणवीर के सामने झूठ बोलो। मैं तो पुरोहित सा से मिली भी ना हूं, मैं तो बस यही चाहूंगी रसाल को अपने बिंद का साथ मिले, चाहे कुछ ही दिन से ही। रसाल रणवीर के साथ अकेली रहेगी तो रणवीर को भी रसाल को समझने को मौका मिलेगा।
मारे इस झूठ के वास्ते मारे कुछ और सजा देनी हो देना, पर मारे परिवार पर कोई विपदा ना आने देना माता जी महाराज, ना आने देना। मैं सब समझ गया हूं कि तुम ये सब ड्रामा क्यों करती हो, ताकि तुम इस हवेली के ऐशो आराम पा सको, खुद को इस हवेली की ठकुराइन कहला सको। ये सिर्फ यही एक सबूत है ना तुम्हारी उस रोज के भूल को, लो चला दो इसे अपने हाथों से, अंतिम संस्कार कर दो हमारे रिश्ते का। मैं रहूंगी तो इस हवेली में, जब तक इस हवेली का वारिस पैदा ना हो, प्रभात बीच पति पत्नी का रिश्ता ना रहे। 10 साल से जाके कहना कि पुरोहित साहब ने खुद थारे को कहा है कि रसाल के साथ दर्शन के वास्ते जानो जरूरी है, थारे मुंह से सुनकर रसाल को खुशी होगी। ठाकुर साहब इतना सोच का ही रहे हो, आप बस दादी साहब की आज्ञा का पालन करो और रसाल से जाकर कह दो जो भी दादी साहब ने आपको कहने वास्ते बोले हो। रुक्मी, मुझे रसाल के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये कि मैंने पुरोहित साहब से जाके कहा है, ये झूठ मैं उसे नहीं कहना चाहता। भाई ठाकुर साहब, आखिर हर्जी क्या है आपका ऐसे कहने में? दादी साहब चाहे हैं कि आप खुद रसाल से जाकर ये बात कहो ताकि उसे अच्छा लगे। आप झिझक गए रहे हैं ठाकुर साहब, आखिर यो सब आप दोनों के बच्चे की भलाई वास्ते ही तो है। रुक्मी, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, मैं झिझक नहीं रहा हूँ, लेकिन रसाल के अंदर जो मैंने बदलाव देखे हैं उसे खुद से दूर जाते देखा है मैंने। अब ये बोलकर कि मैं पुरोहित साहब के पास गया ये सब बातें करने, वो कंफ्यूज हो जाएगी रुक्मी। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में जो सोच पैदा हुई है वो बदले। देखो रुक्मी, दादी साहब के सामने मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन रसाल को ये रोहित साहब वाला झूठ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी बोलकर मैं उसे भटकाना नहीं चाहता। ठीक है ठाकुर साहब, आप झूठ मत बोलना, बस आप जाकर इतना कह देना कि आपको हुक्म हुआ है बच्चे की सलामती खातिर रसाल के साथ दर्शन पे जाने का और वो तैयारी कर ले। मत कहना कि रोहित साहब ने कहा है या दादी साहब ने, तब तो ठीक है ना, बाद में दादी साहब भी अपने आप समझ जाएंगे, आखिर उनकी इच्छा तो यही है ना कि आप और रसाल साथ जावे, वो कोई सवाल ना करेंगे। हो गया मारे को पत्ते खिले हुए, मैं विक्रम ने तो हरा कर ही दिखाऊंगी। भाभी साहब के सामने चीटिंग करे ना, मैं देखती हूँ मारे सामने चीटिंग कैसे करे, और इस बार तो मैं जानबूझकर भी ना आने वाली। शर्त लगाया ना उसने मारे से, अब तो मारे को जीतनो ही पड़ेगा। मेरी होने वाली पत्नी है और इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनूंगा मैं। ये तो विधवा, तो फिर ये सिंदूर, ये चूड़ियां, इस तरह सजना संवरना, आपके बच्चे को जन्म देने के बाद हत्ते से चली जाऊंगी हमेशा वास्ते। मठ से आने के बाद मैं रसाल को पहली बार खुश होते देख रहा हूं। हे भगवान, रसाल जिस भी वजह से खुश है उसे इसी तरह खुश रखना हमेशा।
मत्थे के कर रहे हैं? I'm sorry, रसाल, वो मैं नॉक करने ही वाला था, लेकिन देखा कि तुम इतनी बिजी हो तो रुक गया। हाँ, खुद ने व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। खैर, आपका अठियाना कैसे हुआ? वो मैं एक्चुअली मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। रसाल, दरअसल दादी साहब चाहती हैं कि हम दोनों धार्मिक यात्रा पे साथ जाएं दर्शन के लिए। वो पुरोहित जी ने दादी साहब को सलाह दी है कि ये यात्रा हमारे होने वाले बच्चे के लिए लाभदायक है, इसलिए मैं खुद तुम्हें ये कहने आया हूँ। मंदिर से लौटते वक्त तुम्हारे को सुबह की पहली दवा खिला जाए और साथ में सादा खाना भी। बोल, मंजूर है? मंजूर। तुम तैयारी कर लो, मैं टिकट्स वगैरह बुक करा दूंगा। अगले हफ्ते ठीक रहेगा ना? ठीक है, बच्चे के लिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप दिन बता देना या फिर किसी से कहलवा देना हमारे को। दादी साने हुक्म किया है तो जानो ही पड़ेगा। हाँ, दादी साने कहा है इसलिए मैं भी। खैर, मैं टिकट्स बुक करवा के तुम्हें बता दूंगा। मासा, आपने मारे को बुलायो? सब ठीक तो है ना? आ, बैठ पवर। कुछ ठीक करने की कोशिश ही कर रही हूं पवर। दीप और पद्मा का टूटा रिश्ता मारे को इस परिवार के बिखरने का डर दिखा रही है। सच कहूं मासा, मारा भी जी कियो तो कि मैं खुद जाकर पद्मा और उसके परिवार वालों से बात करूं, पर सोचो हूं कि इतनो बड़ो फैसलो कर लियो पर मारे से बात तक ना की, ऊपर से दीप और चंचल को इतनी बातें सुना दी, अब क्या रह गया है इस रिश्ते में? दोबारा जोड़ने की कोशिश करने की संभावना भी नहीं रह गई है। खैर, आप रो किस बात का दुख सता रहे हो? मारे को रसाल और रणवीर की चिंता है भवर। दोनों को कुछ दिन साथ रखने वास्ते मैंने चार धाम के दर्शन के वास्ते कहो है। रणवीर तो मान भी गयो है और रसाल को भी मना लेवे को। तो ये तो घणो अच्छो कियो आपने। कियो तो है, पर इसके वास्ते मारे को रणवीर से झूठ बोलनो पड़ो। कियो मारो ना, पुरोहित सा को आदेश है, दोनों के बच्चों की सलामती के खातिर। मारे से रसाल को अकेलापन ना देखो जा रहे हो तो इसी के वास्ते झूठ बोल गई। मासा, आपसे ही सुन सुनकर बड़ा हुआ हूं कि अच्छा करने वास्ते झूठ बोलनो पड़ो तो वो झूठ सच से भी बढ़कर हुए हैं। रणवीर और रसाल कुछ दिनों वास्ते साथ रहेंगे तो एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और जब वो दर्शन कर लौट आवेंगे तो हम सबको एक साथ देखेंगे। मैं तो माता रानी महाराज से यही कामना करूंगा मासा। सिर्फ कामना करने से ना होवे को मवर, थारे को कल ही दोनों को भेजने के वास्ते टिकट करवानी होगी और दोनों की वहां रहने की व्यवस्था भी देखनी होगी। मैं सवेरे तड़के ही आपकी आज्ञा का पालन करूं। काल ना भवन, अभी थारे मैनेजर को फोन कर कि कल ही दोनों को जाने की व्यवस्था करे। मैं रसाल और रणवीर दोनों को ज्यादा सोचने का मौका ना देना चाहूं। अब आप ये मुझ पर छोड़ दो, कल सुबह वही होएगा जो आपने मारे को हुक्म दियो है। अब आप आराम से सो जाओ, सोचो कि काम हो गया है।
गुप्ता जी आपने तो कमाल कर दिया भाई, दोनों की टिकटें करवा दी और साथ में रहने की व्यवस्था भी कर दी। अच्छा आप जल्दी से वो टिकटें और बाकी की डिटेल्स हवेली पहुंचा दीजिए। खम्मा गणी। गुड मॉर्निंग सर। अरे मारी गुड़िया, सवेरे सवेरे थारी शक्ल देख ली तो आज तो मारो सब कुछ गुड ही गुड होएगा। जीती रहे बेटा। ताया सा, कौन जा रहा है तीर्थ दर्शन पर? बेटा थारी दादी सा को पुरोहित सा ने आदेश दियो है कि थारे भाई सा और रसाल भाभी सा के होने वाले बच्चे की सलामती वास्ते चार धाम के दर्शन करना घनो जरूरी है। अच्छा, कब जा रहे हैं भाई सा और रसाल भाभी सा? बेटा अभी कुछ घंटों में। अच्छा तो एक काम कर, तू रसाल से कह दे कि वो अपना सामान बांध ले और मैं मासा से जाके कहूं कि उनके आदेश का पालन हो गया। भाभी साहब जानती हैं? हाँ हाँ जानू हूँ, देर हो गई है पर अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहले हम मंदिर जाएंगे, वहाँ परिक्रमा करेंगे और फिर विक्रम के घर जाएंगे। देख रहा हूँ आज कैसे मैं विक्रम को ताश के खेल में हराने वाली हूँ। चल। इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता? क्या पता ना है मारे को? कि आप और भाई साहब आपके होने वाले बच्चे की सलामती के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ कहा था कल रात थारे भाई साहब ने, तो तू क्यों परेशान हो रही है? भाभी साहब मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ कि फिर आप विक्रम से कैसे मिलेंगी? अरे तब तक तुम्हारी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी और विक्रम भी ठीक हो जाएगा। थारे भाई साहब ने कहा हमारे से कि अगले हफ्ते चलना है। नहीं भाभी साहब, दादी साहब के कहने पर ताया साहब ने आप दोनों की टिकट्स बुक कर दी हैं और आपके रहने की व्यवस्था भी कर दी है। आप दोनों को कुछ ही घंटों में निकलना होगा हवेली से। ये तो क्या कह रही है? हाँ भाभी साहब, मैं खुद ताया साहब से सुनकर आ रही हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कहने को कहा है कि आप अपना सामान बांध लें और चलने की तैयारी करें। मैंने मैंने विक्रम वास्ते जो मन्नत मांगी है उसको क्या हो फेंको? मारी मारी परिक्रमा को क्या हो फेंको? भाभी साहब मन्नत पूरी ना होने पर तो अशुभ होता है, पर आपको अपनी ये मन्नत तोड़नी पड़ेगी। मुमल, मैं अपनी मन्नत ने अधूरा ना छोड़ सकूं। जब मैंने मांगी हुई मन्नत पूरी ना की तो विक्रम पर विपत्ति आ सके।